वन स्टार्ट। दर्शक मित्रों नमस्कार, मैं वैद्य रत्नम संदीप पटेल, निरामय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल नानपुरा सूरत गुजरात से। मेरे साथ है कौशिक भाई शुक्ला। कौशिक भाई शुक्ला मेरे पुराने मित्र भी है और मेरे पेशेंट भी है, और मेरी दवाई से उनकी वाइफ जयश्री बहन एकदम रेडी कंप्लीट, जयश्री बहन ठीक हो गई। और कल रात का इंसिडेंट में आप दर्शक को बताओ। एक मिनट, सबसे पहले आपका नाम बताओ, वहाँ देखो। मेरा नाम कौशिक इंद्रावरण शुक्ला है। मेरा एक फ्रेंड है, उनका बेटे का रात को 1 बजे फोन आया मेरे ऊपर, सागर परमा। और सुबह उसने दो घंटे में रात को फोन आया। तो आपके पास क्या लेके गए, वो किसके लिए फोन आया? ओटू, अपना जो ओटू का, वो मेरे पास पड़ा हुआ था, वो मैंने उनको दिया। तो उससे वो सुबह 6-7 बजे तो उनको, वो मेरे को ऐसा बोल के गया था कि वेंटिलेटर पर जाने की फुल तैयारी है। हाँ जी। लेकिन उससे एकदम रिकवर हो गया और कंप्लीट जो उनका जो ऑक्सीजन लेवल था वो एकदम कंप्लीट उसका, और वेंटिलेटर से पेशेंट बच गया, वेंटिलेटर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ी उनको। मित्रों मेरे कौशिक शुक्ला के दोस्त है भूपेंद्र भाई परमार, उसका बच्चा का नाम है सागर परमार। उन्होंने पहली बार कैमरा फेस कर रहे हैं तो थोड़ा डर रहे हैं। मेरा कहने का जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है ना? रात को किसी पेशेंट के लिए भूपेंद्र भाई के रिलेटिव बारडोली में एडमिट थे। तो बारडोली में एडमिट थे उसके लिए आपके उसके बच्चे का नाम सागर परमार है। उसका फोन आया और आपके पास रेस्पिरेटर को डिमांड किया, तो रेस्पिरेटर आपने वो दिया। तो जब भी पेशेंट की कंडीशन उस वक्त ऐसी थी कि उसको वेंटिलेटर पर डालने की तैयारी थी, सही है। उन्होंने रात को आपके पास दवाई लेके गए, रात को 1 बजे मेरे पास आए थे, 1 के 2 के बीच में, और सुबह 7 बजे रिजल्ट एकदम परफेक्ट आ गया। मित्रों ऐसा कहना है कि रेस्पिरेटर इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टू एनहांस ऑक्सीजन लेवल। ये जो प्रोडक्ट जो है वो मेरे गुरु पूज्य नरसिंह भाई पटेल के योग में से बनाई हुई है। उस दवाई से मैक्सिमम जितने पेशेंट को दिया है मैंने, उस पेशेंट का ऐसा ही फीडबैक है। तो आप क्या कहना चाहते हो लोगों को? और मेरा गांधीनगर में भी है, वो भी ये रेस्पिरेटर का उनके पास भी ट्रीटमेंट चालू है, उनका भी काफी रिकवरी है सबका। आप क्या कहना चाहते हो दर्शक? ये जो है एलोपैथिक से ये बहुत बेटर है, वेंटिलेशन है और जो दूसरा भी जो भी इंजेक्शन ये लोग देते हैं इसे अच्छा कि ये रेस्पिरेटर है। 5 घंटे में एलोपैथिक में भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, इतना अच्छा रिजल्ट इसमें मिला हुआ है। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको ऐसा कोई भी इश्यू हो तो ये खास डॉक्टर संदीप भाई पटेल है, वो उनको काफी अच्छा नॉलेज है। और मेरा, मैं भी पहले वेव्स में कोरोना में आ गया था और उसमें से मैंने बिना एलोपैथिक दवाई लिए, इनकी दवाई से ही मैं पूरा एकदम ठीक हो गया हूँ। अभी मेरा फैमिली में भी वो प्रॉब्लम आया था, वाइफ को भी प्रॉब्लम आया था, उसने वो सीटी स्कैन का ये सब बोला था। मैंने संदीप भाई साहब की फोन पे बात करने से उन्होंने बोला कि सीटी स्कैन नहीं करवाना है और इससे ही अच्छा हो जाएगा, होम आइसोलेशन का बोला था। और मेरी वाइफ अभी 9 से 10 दिन के अंदर कंप्लीट बेड रेस्ट से बाहर निकल गई है, खाना पकाती है, सब काम वो कंप्लीट अपने हाथ से करती है। खाली थोड़ी वीकनेस है, उसकी दवाई मैं आज देने के लिए यहाँ आया हूँ बस। दर्शक मित्रों मेरे साथ डॉक्टर दर्शन भी है और साथ में मेरा जो एसोसिएट डॉक्टर गौरव मेहता जो है उनके साथ, वो छोटा के डायरेक्टर है, उनके साथ आगे मैंने कोरोना टेबलेट का आविष्कार किया था। इस पेशेंट को, इनको भूपेंद्र भाई के सॉरी कौशिक भाई और उनकी वाइफ को मैंने मेरी कफारी किट और अपनी सिंपल रेस्पिरेटर दिया था। आज रिजल्ट आपके सामने है। मेरा नंबर है 9426814462। मेरी यूट्यूब चैनल निरामय आयुर्वेदा, मेरा वेबसाइट www.niramayayurveda.com, और साथ में है हितेश शाह इज फ्रॉम इंदौर और वो भी कोरोना में अभी बाहर निकले हैं। उन्होंने एलोपैथ ट्रीटमेंट जरूर किया है, आइसोलेशन भी हुआ है, साथ में मेरी कोरोना टेबलेट चालू थी। वो हमारे एसोसिएट फार्मा इंडस्ट्रीज में ही है, तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और आप सबको कुछ भी दिक्कत है रेस्पिरेटर के बारे में, कफारी के बारे में, पर दर्शक मित्रों एक ध्यान रखिए, कफारी इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन वायरल इन्फेक्शन। और ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए रेस्पिरेटर का इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद।